नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वो महान शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है सुधीर राज, जिनका नाम को बताने की ज़रूरत भी नहीं होती, जिनके फेसबुक, ट्विटर वगैरह सब जगह पे मौजूद होते हैं, यूट्यूब्स वगैरह पे इनकी हज़ारों की तादाद में वीडियोज़ पड़ी हैं। सुधीर राजी आपकी बात बताइए, मैं भी कहीं ना कहीं आपको फॉलो कर रहा था और मैंने देखा था कि आपने बोला था यहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, बहुत सारे स्टॉल्स लगने वाले हैं। आज एक एसएम न्यूज़ का भी लगा था स्टॉल, एक आपका भी लगा था और मेरी नॉलेज में नहीं है, तो वो कहाँ गए आपके स्टॉल जिनको आप बड़ा बढ़ चढ़ कर बताया करते थे कि इतने सारे स्टॉल लगने वाले हैं, उनके बारे में बताएँ जरा। देखिए, 14 अप्रैल को जो एससी एसटी और ओबीसी के सरकारी संगठन हैं कर्मचारियों के, वो अपने दफ्तर में एक आवेदन देते हैं और दफ्तर से उनको कुछ धनराशि अलॉट होती है जी। 14 तारीख के फंक्शन को मनाने के लिए जी। उस 14 तारीख के जो फंक्शन आता है, जो धन अलॉटमेंट होता है, जो उन्हें फंड मिलता है, उसके ब्याह पे वो अपने सारे काम भी चलाते हैं और यहाँ भी एक टेंट लगाते हैं या कुछ बांटते हैं खाने का। ये तो है जन्मदिन की खुशी जी। ऐसा ही सेम कार्यक्रम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार, यानी भारत के 130 करोड़ लोग जी। भारत की सबसे ऊंची जगह और भारत की सबसे प्रसिद्ध प्रतिमा जहाँ बाबा साहब संसद की तरफ इशारा करते हुए, और जिसको सारे लोग जो नेता बनते हैं, चाहे वो एमपी बने, चाहे एमएलए बने, चाहे मिनिस्टर बने, चाहे प्रधानमंत्री बने, चाहे राष्ट्रपति बने, उस प्रतिमा को अपने भाषणों में जरूर इंगित करते हैं कि बाबा साहब ने इशारा किया है कि आपको संसद में जाना है, उस इशारे को समझिए। आप उठा लीजिए किसी की भी स्पीच, छोटी से लेकर आखिर तक। तो ये भारत की और दुनिया की सबसे प्राइम जगह है अम्बेडकरवादियों के लिए और ख़ास तौर से देश के संविधानवादियों के लिए, जो 130 करोड़ लोग संविधान के आधार पर चलते हैं जी। जन्मदिन मनाना एक खुशी का उत्सव है जी। आपने पैसा अलॉट कराया सरकारी कर्मचारियों ने, या आप अपने बच्चों के साथ आए, या आप परिवार के साथ आए, या आप बस भर के लाए, या बुद्ध विहार से आए, या अपनी संस्था से आए, या कबीर भवन से आए, या वाल्मीकि भवन से आए, खुशी की बात है। आना चाहिए, खुशी है, खुशी मनाना चाहिए। लोग खूब नंगाड़े धोड़े तमाचे लेके आते हैं और यहाँ लाखों की भीड़ होती है। ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि 6 दिसंबर की जानकारी नहीं है, या तो 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हुआ, जन्म तो उनका हुआ महू में और डेथ हुई है उनकी दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली महू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, दिल्ली वालों की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे स्थल हैं जहाँ बाबा साहब रहे, क्योंकि ये पॉलिटिकल राजधानी है। तो इस दिन को भूलना अनुयायियों के लिए बिल्कुल भी अनुचित है। लोग इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं जी। यहीं आसपास हजारों सरकारी कर्मचारियों के दफ्तर हैं, यहाँ 11 बजे तक तो पार्लियामेंट खुली रहती है, वो 9 बजे एक घंटे की छुट्टी लेके आ सकते हैं, आधे दिन की सीएल लेके आ सकते हैं, और चूंकि उनको फंड नहीं मिलता इसलिए वो अपनी जेब से पैसा खर्च करना या इकट्ठा करना थोड़ा सा दुष्कर काम हो गया। और यहाँ पैसे की जरूरत भी नहीं है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आपने पंडाल लगाना है, कुछ लगाना है, यहाँ चल के भी आना है, चल के आने में दिक्कत आ रही है। मेट्रो की सुविधा है, आप मेट्रो में सीधे पटेल नगर उतरिए 30 रुपये में, 40 रुपये में, और सीधे यहाँ आ जाइए, 2 फूल चढ़ाइए। आप भागते होंगे दुनिया में, आप करते होंगे बहुत बड़े, मगर अगर आप मृत्यु दिवस पर नहीं आते, आप परिनिर्वाण दिवस पर नहीं आते, आप अपने पिता मह के, आप अपने बाबा के इस दिन को याद नहीं रखते, तो आप सोचिए कि आप अनुयायी खुशी के हैं या संपूर्ण अनुयायी हैं। क्योंकि जो लोग यह दुख में आए हैं, और ये आज गमगीन वाला दिन है, और जो खासतौर से बच्चों के साथ आए हैं, जिन्होंने यहाँ स्टॉल लगाए या चाय का वो ले टंकी लेके आए, लोगों की सेवा की है, वो लोग एक समानता के आधार पर काम करने वाले लोग हैं। वो समानता, चूंकि बाबा साहब ने, बुद्ध ने समानता का आधार बताया, तो वो सुख में भी आते हैं और दुख में भी आते हैं। मगर जो लोग दुख में नहीं आए, जो लोग इस दिन को याद नहीं रखा जिन्होंने, और जो नहीं आए, वो असमानता पर आधारित लोग हैं। उनको सोचना होगा कि अपने आप को अनुयायी कहने से पहले एक बार सोचें, अपने आप को लीडर कहने से पहले सोचें, अपने आप को जय भीम कहने से पहले सोचें, क्योंकि आप पूरे देश में बहाना हो सकता है, हम तो प्रेरणा स्थल में हैं, हम तो क्या बोलते हैं 26 अलीपुर रोड पे हैं, तो यहाँ नहीं आए तो हमने किया, या हमने तो घर में मोमबत्ती लगाई, उससे पूरी दुनिया को आपके बाबा साहब की ताकत होने का पता नहीं चलता, आपके संगठित होने का पता नहीं चलता। आप सुबह 7 बजे यहाँ आइए, 9 बजे आप
अलीपुर रोड से चले जाइए, 26 अलीपुर रोड, उसके बाद प्रेरणा स्थल चले जाइए, आपको रूटीन बना के मेट्रो कनेक्टेड है, यहाँ से सीधी जो मेट्रो है वो 26 अलीपुर रोड पे फेंकती है आपको, आप वहाँ जाकर उतर जाइए, वहाँ से सीधी मेट्रो आपको नोएडा में छोड़ती है। सुधीर जी, सबको पता है कि कहाँ है ये, सारी दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के लोगों को तो कम से कम पता है ये सारी। नहीं, यहाँ आने के बाद लगता है कि उन्हें कुछ नहीं पता, यहाँ जब वो नहीं आते हैं, क्योंकि इस बार भी जो ये 1000 के करीब लोग आए हैं, ये बहुत प्रचार प्रसार करने के बाद आए हैं, लोग अपने पर्सनल कार्यक्रम तो प्रचार प्रसार करते हैं, उनका पर्सनल एजेंडा है, मगर जो राष्ट्रीय एजेंडा है, जो सामाजिक है और जो बाबा साहब का मेन पॉइंट है, वो उनका एजेंडा नहीं है। अरे आप बहुत बड़े लीडर होंगे, आपका बहुत बड़ा संगठन होगा, आपका बहुत बड़ी चीज़ें होंगी, वो आपका पर्सनल एजेंडा चलाते रहिए, मगर राष्ट्रीय कार्यक्रम में यहाँ चूंकि आप यहाँ लीडरशिप भी चलेगी, इसे नहीं आते यहाँ। बिल्कुल ठीक है। सुधीर राजे आज कुछ गुस्से में नजर आ रहे हैं और उनका गुस्सा बिल्कुल जायज़ भी होता है कि आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत जो कपड़े पहने हुए हैं वो भी उनकी बदौलत है, और आज जो नौकरी पर आप आरक्षित हैं वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से ही हैं, और आज बाबा साहब का महापरिणाम दिवस है और वहाँ पर उपस्थित नहीं है। जी सर, देखिए एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कार्यक्रम है, अगर आप यहाँ आएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कार्यक्रम को चलाएगी, अगर आप यहाँ नहीं आएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कार्यक्रम को नहीं चलाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसी कार्यक्रम को चलाती है जिसमें लोगों का इंटरेस्ट होता है, और आपका ये प्राइम कार्यक्रम है, ये दोबारा नहीं खुलेगा अगर ये बंद हो गया, आपने यहाँ बंद कर दिया, आप अपने घर में कितना ही आए, इसलिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में आपकी प्रेजेंस उतनी जरूरी है जितनी जरूरी आप 14 अप्रैल को यहाँ आते हैं, उससे 2 गुना ज़्यादा जरूरी है, 3 गुना ज़्यादा जरूरी है। सुधीर राजे ने कितनी खूबसूरती से बताया कि अगर आप इस कार्यक्रम में नहीं आएंगे या लोगों की उपस्थितियाँ नहीं बढ़ेंगी तो इस कार्यक्रम को कहीं ना कहीं हिडन रूप में बंद कर दिया जाएगा, इसलिए इस कार्यक्रम को, ऐसे कार्यक्रमों को चालू रखने के लिए, इन कार्यक्रमों को एनर्जी देने के लिए बहुजन समाज की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे कार्यक्रम बहुत जल्द बंद हो जाएंगे। SMD से बात करने के लिए सुधीर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका चैनल यहाँ आया, आज आपके चैनल ने कमाल कर दिया है, पहली बार ये चैनल है जिसने यहाँ एक कैंप लगाया, पहली बार चैनल है जिसने यहाँ टेंट लगाया, पहली बार कोई ऐसा हमारा मीडिया है जिसने यहाँ लोगों के व्यूज़ लिए, पहली बार ऐसा मीडिया है जिसने चाय और नाश्ता भी कराया, पहली बार ऐसा मीडिया आया है, हम चाहेंगे आपका मीडिया खूब बढ़े और आप जैसे हज़ारों मीडिया वाले लोग यहाँ आएँ और यहाँ लाइन लगा के काम करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।